जितासन हो, शरीर को ठीक रखिए, ये स्वस्थ रहना चाहिए। इसे हमने व्याधि मंदिर कभी नहीं कहा। कुछ स्थानों पर हमने पढ़ा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, कहीं कहीं इदम व्याधि मंदिरम, पर मुझे तो देवालय ही लगता है। इदम देवालयम, देह देवालयम, मुझे तो देवालय ही लगता है। एम इदम शिवालयम, आत्मालयम, ज्ञानालयम, इसे तो वेदों में अयोध्या बताया है, इसमें राम रहते हैं। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानां प्रवृद्ध्या, देह का कोई साधन कर ले, शरीर को कोई साध ले, तो ये अयोध्या है, फिर ये अयोध्या, फिर ये काया काशी है, फिर ये वितान वृंदावन है। देह को वितान भी बताया गया, ये फिर वृंदावन है, ये काया फिर काशी है, फिर ये आयतन अयोध्या है, अष्ट चक्रा नवद्वारा। क्योंकि जो देव सामर्थ्य है वो मनुष्य के भीतर है, और देव की भी अलग से सामर्थ्य, यानी महादेव की सामर्थ्य, भगवदीय सामर्थ्य। थोड़ा संकोच में एक बात कहना चाहेंगे कि देवताओं को भी दुर्लभ है ये सामर्थ्य जो मनुष्य को है। वे तो पुण्य से केवल स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, वो गंधर्व किन्नर यक्ष अथवा देव या पितर हों, उनकी सीमाएं सीमित हैं, उनके अधिकार, पर मनुष्य के पास अपार सामर्थ्य है। ये ज्ञान के द्वारा ब्रह्मानुभूति कर सकता है, रसानुभूति कर सकता है, ये वेदाभ्यास के द्वारा शास्त्र विचार करके ज्ञान का अनुभव कर सकता है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, आयम आत्मा ब्रह्म की अनुभूति हुई है ज्ञानियों को, कि ये चित्त वित्त गति मति गुण धर्म प्रकृति काय कलेवर मैं नहीं हूं, मैं सांसों का सिलसिला धमनियों में बहने वाला रक्त और पाचक रस नहीं हूं, मैं रक्त वर्ण और चिबुक हनु ओष्ठ भुजाएं कपोल वक्षस्थल त्वचा नख रोम नाड़ी, मैं यही नहीं हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो शरीर भी ठीक रखिए भाई। फिर दूसरी बात, सुखदेव मुनि कहते हैं, जित संगो जितेंद्रिय, संग ठीक होना चाहिए आपका। साधन में बात संग की भी है, जित संगो जित संग दोष, संगति से आप में विकार ना आ जाए, आप में विचार का परिवर्तन न हो जाए, आपके कोई निर्णय परिवर्तित न कर दे, आप में कोई एक विषय का अभ्यास न हो जाए, अथवा आप किसी एक अध्यास के अध्यास अध्यस्त अथवा अभ्यस्त न हो जाए, उसका जो व्यसन है। कई बार तो कुछ आग्रह हमें बने रहते हैं, पूर्वाग्रह हठ बनी रहती है, जिद बनी रहती है, किन्हीं के लिए हमें ईर्ष्या रहती है, ठीक ज्ञान न हो और पाप का बोध हो तो ग्लानी पड़ी रहती है। संस्कार द चैनल ऑफ इंडिया, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत।